सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि दिन डूबे दिया जलाइयो, दिन डूबे अगन बहोर, और बाघर नारी सुहागिनी माया की नैया थोर। है यार, तो कौन महिला है जो दिन डूबने के बाद तुरंत अपने घर में दीपक जलाती है? जरा हाथ उठा दो और सही सही देख लो कितने पास हो रही है कि नहीं। नहीं पाया मैंने, अच्छे से तो बताओ। बस और महिला क्यों नहीं जलाती? एक बात बताओ, दीपक जलाने से क्या फायदा होता है? अगर हमारी कोई भी चीज अगर गुम जाए, खो जाए, अगर उसको ढूंढना है तो हमको उजेला करके ढूंढना पड़ेगा कि अंधेरी में मिल जाएगी। अगर अंधेरी में सिक्का गुम गया, मतलब धर्म रूपी सिक्का गुम गया, उसके लिए तो उजेला करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगी, नहीं तो अंधेरी में भटकते रहो, मिलने वाली नहीं, पता चला कि सुबह ही हुई। इसलिए हर आदमी को हर घर में, अपने घर में दीपक जलाना चाहिए। दूसरी बात, दीपक जलाने से क्या होता है? उजेला करने से संजय बरकत बढ़ती। क्यों बढ़ती है? कि जहां उजेला होता है उस घर में चोर चंडाल नहीं घुस पाते। क्योंकि नहीं घुसते, क्यों नहीं घुसते? क्योंकि यार उजेला हो रहा है, बोले यहाँ घुसेंगे तो कोई देख लेगा। और हमारी संजय बरकत चोरी होने से खत्म होती है। जिस घर की चोरी हो जाए तो उसकी संजय खत्म हो जाती है, जिसके अनाज में आग लग जाए तो उसकी संजय खत्म हो जाती है। अब संजय कैसे बनाना है? आप लोग कहते होंगे कि नहीं, हम लोग तो सीधे बढ़िया पानी बनाई, अगर कोई दवाई दे देते संजय की तो अच्छी रहेगी, ऐसे मांगते हैं लोग। तो असली दवाई बता रहा हूँ, जो जो जलाता होगा उसकी समस्या धीरे धीरे जरूर हल हो जाएगी, ये गारंटी बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल हो गई हर समस्या की हल होगी, कहा है ना किसी ने, आज नहीं तो कल होगा हर समस्या का हल होगा, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो पत्थर में भी जल होगा। क्या चलाते तो जाओ, मानते तो जाओ, कभी ना कभी सफल जरूर हो गए। तो दीपक जरूर जलना चाहिए। अगर बहुए नहीं जला रही है तो ससुर जी जलाएंगे, ठीक है? जब तो बहू को शर्म लगेगा, यार मेरे ससुर जी जला रहे, बोले अब मैं खुद जला दी, बोले उल्टा चलना पड़ेगा, बार बार बोलोगे बहू को ना तो नहीं चलता, ठीक है? और दिन निकलने के पहले घर आंगन की साफ सफाई की बात बोला, तो साफ सफाई हो रही दिन निकलने के पहले? हाथ उठा के बताए हो रही? सही सही बात भैया, आप लोग देखते होंगे तो ऐसा तो नहीं हो कि जब तक मैं हूं तब तक साफ सफाई, और जैसे ही गए तो तुम्हारी तबाही ले जाते हो पीछे से। जी जी अच्छा, मतलब झूठ बोल रहे हो? आज मैं खुद देखूंगा, ठीक है? भूमिका है, मैं भी नहीं देखूंगा तो पूरे भूमिका लोग बता देंगे मुझे कहां कौन सा मोहल्ला में क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ी संस्कृति है, जो दिन निकलने के पहले साफ सफाई करता है और दिन डूबने के बाद दीपक जलाता है, उस घर में बीमारी कम आती है। अब जैसे सुबह सुबह उठोगे, साफ सफाई करोगे, व्यायाम होगा, मेहनत होगी, चकिया है तुम्हारे घर में? जत्ता हाथ उठा नहीं, किस किसके घर में अभी चालू है कि बंद हो गए? चालू वाले हाथ उठाइए, कौन कौन पीसता है? जो उनका उपयोग करेगा उनकी कमर नहीं दुखती, व्यायाम होता है चकिया के माध्यम से, भूसल के माध्यम से। ये व्यवस्था थी गोंडी संस्कृति की कि काम का काम हो और व्यायाम का व्यायाम हो, कितनी अच्छी व्यवस्था। अब सब रख रहे हैं, कोई की कमर दर्द दे रही है, कोई की कचू दे रही है, दिन लगवा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी। और संजय बरकत की दवाई में बता रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, संजय बरकत क्यों घटी है, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले समधि अगर समधन के घर जाता था तो कैसे जाता था? और समधन जाती समधि के घर तो कैसे जाती? मुझे पता है ये बात, अगर समधन समधि के घर में जाती थी तो कपड़ा में आटा या चावल बांध के ले जाती। आज ले जाते क्या? खाली थैला, खाली हाथ जाते और खाली हाथ आते ले जाती थी ना?
भूल गए थे। उससे क्या होता था, सड़े बढ़कर बढ़कर। अगर हमारे यहाँ का अनाज वहां ले जाके देंगे तो वहां हमारे सब्जी के यहाँ बढ़ गया, जब वहां से लौटेंगे तो वो अनाज भेजेगा या नहीं तो हमारे यहाँ होगी, ऐसा करते थे। अब खाली हाथ जा रहा है तो खाली हाथ धंधा वालों के पास बरकत क्यों है, क्योंकि वो कहीं भी जाए एक दो किलो एक दो पाई जरूर लेके आते हैं। सदे उनकी नहीं पड़े पड़े किसकी पड़े, हम तो दिन भर घूमते हैं कुछ लेके नहीं आते। तो मतलब ये हमारी व्यवस्था थी, और हाथ में लाठी लेके चलते थे खाली कोई नहीं जाते थे। तो मेरा मतलब ये है हमारी जो संस्कृति है उसको फिर से वापिस कैसे करेंगे। अगर हम अपने ससुराल कहीं भी जाओ हमको थोड़ा बहुत अनाज लेके ही जाना चाहिए, ठीक है। ससुराल जाओ, मायके जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसे सर। अब यहाँ भी आते हैं तो यहाँ भी तो सही आदमी खाली हाथ आ रहे हो खाली हाथ जा रहे हैं, महाराज ने तो पड़ी लेके जाते, ठीक है, क्योंकि दूसरे ही अच्छे ना जाते, ठीक है ना। तो कोई मात्र संख्या भूलेगी नहीं, ये काम जरूर करना है आपको। दिन निकलने के पहले साफ सफाई और दिन डूबने के बाद दीपक जलाना बहुत है। दिन में नहीं जला सकती कोई बात नहीं, पूछता नहीं होगी, लेकिन हर रविवार को जलाना ही पड़ेगा, ठीक है। जलाएंगे तो ताली तो बजा दो एक बार अच्छे से जरा। तो समय भी हो चुका है, इसलिए चलते चलते गीत सुना दो, इसके बाद में सुमर नहीं करेगा, ठीक है। कितने डूबे दिया जलाइयो घर तारी सुहागनी माया की नैया थोरो सागु भाई सज्जा की बेरा सागु भाई सज्जा की बेरा देवाला सके मनाइयो सागु भाई सज्जा की बेरा लेकिन अगर आपको जन्म दिवस मनाना ही है तो आपको कैसे मनाना है, आटा की 12 दीपक बना के और 12 ही महिलाएं बीच में जो बच्चे वाली माँ है उसको बिठालती है बीच में, और 12 महिलाएं आसपास गोल बना के खड़ी होती हैं, सब अपने हाथ में आटा की दिया लेके और उसको जलाती है, और पूरी महिलाएं फिर उस दीपक को 12 परिक्रमा दाएं से बाएं करती है। ऐसा करके हमारे में जन्म दिवस मनाया जाता है, मतलब 12 परिक्रमा करती है और सोहर गीत गाती है वो महिलाएं, ऐसा करके मनाया जाता था। तो हमारे गुरु गोपार जी का जन्म गाथा चल रही है, तो मेरा मतलब ये है कि गुरु गोपार के जन्म पर आप लोग गुरु गोपार जी का सम्मान करेंगे 5-10 मिनट के लिए, और हमारे कवरेती जी एक गीत गाएंगे। हमारे कुपार बाबा है हल्दी चौर से, आप मिन्नत करेंगे कुपार बाबा को टीका लगाते जाएंगे,